हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम जा रहे हैं श्यामलाल कॉलेज। इवनिंग वाला है बट हाँ, साथ में साइमल्टेनियसली काम करते हैं, बस मॉर्निंग इवनिंग नाम अलग अलग है। और आज उधर बहुत सारा मस्तियाँ और फेस्ट होने वाला है, तो वुड लव टू सी कि कैसे जो है सब इवेंट्स चलते हैं और हम कैसे पार्ट लेते हैं। आई डोंट नो क्या होने वाला है बट मज़ा ज़रूर आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। हमारे साथ हैं कमल भैया, एंड वैसे तो हम बताना नहीं चाहेंगे कितनी सारी बातें की हमने, बट इट वॉज अ फन राइड आई वुड से। कैसे पूरा सफ़र चला गया, ख़त्म हो गया, हमें तो और करनी थी एंड विल श्योरली डू, बट इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग सेशन आई वुड से। एंड ओशो इज द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो आज हमने पढ़ा, सीखा, उनके बारे में और जाना पर्सनली मैंने। एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर अबाउट हिम। थैंक यू भैया, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। तो येलो लाइन में कमल भैया मेरी बात ये आंटी सुन रही थी, और इन्होंने जब मैंने रेड लाइन में चेंज किया तो पास आकर बोला कि बेटा मैंने तुम्हारी बात सुनी, बड़ा अच्छा लगा था। मेट्रो स्टेशन इज़ वेलकम। ये रहा पीछे, रिमझिम बारिश हो रही है अभी फिर से, एंड चलते हैं कॉलेज, देखते हैं कहाँ पर है। वैसे वॉकिंग डिस्टेंस ही है, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। मेट्रो स्टेशन से राइट लेकर हार्डली 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होता है एंड आप कॉलेज पहुँच जाते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। अब कॉलेज की अभी मेन एंट्री में है, एंड अगर हम स्टार्ट करें तो दिस इज जिनके नाम से पीछे कॉलेज है, श्यामलाल जी। तो यस, यू कैन डेफिनेटली प्रे टू हिम जिनके कॉलेज में आप आ रहे हैं। बाकी उधर भी सरस्वती माता की मूर्ति है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उधर हम जब चले तो ये है एग्जैक्ट एंट्री। एंटर होते ही इस तरफ जो है आपको कैंटीन मिलेगा, और उस तरफ आपको एंट्री के लिए बाकी फर्स्ट फ्लोर या कहीं और दूसरे न्यू ब्लॉक में जाना है तो वो मिलेगा। लेट्स गो इनसाइड। वहाँ से आपने एंट्री ली एंड जब आप एक राइट लेंगे तो ये एरिया आएगा, उस तरफ है कैंटीन एग्जैक्ट उधर जहाँ बच्चे एंट्री ले रहे हैं। कैंटीन हम अंदर से नहीं दिखा रहे बट इट वॉज एवरेज, एंड ये है वहाँ से एग्जिट जो पीछे की तरफ से आता है। यहाँ पर म्यूजिक सोसाइटी प्रैक्टिस कर रही है, और रिमझिम बारिश भी हो रही है हमारे कैंपस में। बाकी यहाँ पर क्या है, ये सीक्रेट एरिया आई वुड से। यहाँ पर बच्चे हैं ना, आके पार्टी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जैसे अभी भी कुछ हो रहा है। ओके, किसी की बर्थडे है, नहीं दिखा रहे हम, गंदा लगता है ऐसे कैमरे में कैप्चर करना। देख लो बस, एंड सामोसा में इलेक्ट्रॉनिक लैब, बाकी इधर फिजिक्स लैब भी है जो मैं दिखाता हूँ आपको, और बच्चों इधर क्लास में मस्तियाँ भी खूब कर रहे हैं फिलहाल तो, लकी डे। इधर डांस चल रहा है, बंदे अभी कोई बात नहीं, हमने देख लिया, मतलब हम रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहते। आहा क्या बात है, जय श्री राम। हाँ, ये फिजिक्स लैब, ये थियोरिटिकल फिजिक्स लैब जो बंद रहती है, और अब ऊपर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर, इस तरफ है केमिस्ट्री लैब, बाकी इधर सब बंद है, और अब चलते हैं सीधा लाइब्रेरी, अगर खुली हुई तो हमारे लिए, मतलब हम जिस कॉलेज के नहीं हैं उस कॉलेज के बच्चों के लिए, और ऊपर फिर ये रही लाइब्रेरी जो कि एकदम नई बनी है, और बन भी रही है एसी वगैरह सब, मतलब ये बेस्ट स्पॉट बन जाएगा इस कॉलेज का बैठने के लिए सब। ये यहाँ पे शोर नहीं मचेंगे लेकिन सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे के लिए। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे मस्त आएंगे। ये रहा 360 लाइब्रेरी का, बहुत सारी बुक्स है भाई, मस्त लाइब्रेरी की एंट्री। और अब चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर। न्यू बिल्डिंग है, क्लासरूम्स है। ये तो एकदम बच्चों वाली टेबल याद आ गई।
पढ़ाई होती है भाई इधर खूब। तो ये है इस कॉलेज का मल्टीपर्पज हॉल एंड यहाँ पर जो है ऐसे अंदर जाकर ये नया फर्स्ट फ्लोर रही है एंड एकदम एंड में है कंप्यूटर लैब। अभी क्लास चल रही है तो हम बिल्कुल मस्तियाँ नहीं करना चाहेंगे, बट यस हियर इट इज कंप्यूटर लैब और तीसरी कंप्यूटर लैब। तीन तीन भाई हमारे में एक है वही बहुत बड़ी बात है। पीछे चलते हैं। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे, उस तरफ तो आपको मिलेगा सारा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफिस या जो भी है, और इधर है लाइब्रेरी। ये है साइलेंट रीडिंग रूम, यहाँ पर कोई भी आके पढ़ सकता है। ना आपको कुछ दिखाना है ना कुछ करना है, सिर्फ आके बैठ जाना है चुपचाप और मज़े करो। तो अंदर चल के देखते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, हम भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और ये है एग्जिट वापस, मतलब सेम ही है। यहाँ से आप ऊपर वाली लाइब्रेरी में जा सकते हैं जो अभी हमने दिखाई थी, फर्स्ट फ्लोर वाली जो नई बनी है, इसमें एसी वगैरह सब है। यहाँ हमारे महाशय जी मस्त बारिश की वजह से सो रहे हैं, इनका कोई नामकरण कर देते हैं महाराज जी। एंड या चलो नहाने का मन हो रहा है, नहा ही लेते हैं। तो ये है प्यारा सा रास्ता। अरे वो वैंकी के बच्चे हमारे प्यारे फूल तोड़ रहे हैं। ये बताया कि ये जो है ना, ये गार्डन, जो ये छोटा सा गार्डन, ये इसकी भाव बढ़ जाती है जब विंटर्स आती है। यहाँ पर फिर खूब सारे बच्चे आराम से बैठ के मस्तियाँ करते हैं। चलो अब चलते हैं वापस जहाँ पर ये सारे प्रोग्राम हो रहे थे। वाह हमारे लिए सीटी भी बच गई। ये है न्यू बिल्डिंग, उधर देखी थी आपने ओल्ड लाइब्रेरी वगैरह। ये है न्यू वन, यहाँ पर ही हो रहा आज का सारा। इधर एक वॉशरूम है, बाकी अंदर से रूम दिखाया जाए तो रूम दिखाते चलो। ऊपर वाले से छोटे हमने कही था। बिहाइंड द सीन्स ये सारे एक्टर्स अपनी प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, तो लेट्स सी। कॉलेज का कॉन्फ्रेंस रूम है, बोर्ड कमिटी मीटिंग, एंड ये सामने हॉल, आगे एंड में हो रही है सारी प्रेजेंटेशंस, मतलब प्रोजेक्ट्स। यहाँ से जब हम आएंगे तो मेंटेनेंस रूम आता है, एंड ये है ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। भाई बड़ी हॉन्टेड है इसलिए मैंने वो लगा दिया टॉर्च लाइट। बाकी ओहो हो प्रेसिडेंट फुल प्रमोशन एंड देन ठीक है। चलो 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 वाह ठीक है जी। अरे बाप रे कुछ नहीं दिख रहा, पर ये सेमिनार रूम है, मतलब 100-200 लोगों की कैपेसिटी होगी और ये उतना लंबा है बस। वहाँ भैया जहाँ मतलब एंड है, ये वही है सेमिनार, उन लोग ख़त्म हो जाता है, बाकी इस तरफ सारी क्लासें हैं। अब मिलाना चाहेंगे हम आपको हमारे सबसे खास मेहमान से आज के दिन, मिस्टर अंकित। ये भी राजस्थान से है सबसे पहली बात, और हमारी मुलाकात ऐसे हुई, मैं बताऊं तो आज से तीन चार महीने पहले हम NSS के इवेंट में मिले थे, और उसके बाद हमने उधर भी हरकतें की थी, बट वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है इसलिए हम बताना नहीं चाहेंगे। फिर उसके बाद सीधा आज मुलाकात हो रही है, और वो भी कैसे, भगवान ने बोला कि ये सामने से चलते हुए आए, अगर आप सामने से यूँ चलते हुए आएंगे दोनों मिलेंगे। भाई क्या एंट्री थी, मज़ा आ गया। एंड अब अंकित भाई जो है मैं अपना पूरा कॉलेज घुमाने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, अब बहुत मज़ा आने वाला है जी। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने मित्र के बारे में? ये बेसिकली हम मिले थे एक बाथरूम में मिले थे हम, जहाँ से हमारी मुलाकात ऐसे नॉर्मल हैंडशेक से हुई, फिर हमारी बात बढ़ी, फिर दोस्ती अच्छी। हाथ धो के किया था हमने हैंडशेक। हाथ धोए फिर हमारी दोस्ती बढ़ी, फिर हम एक बार और मिले,
कहाँ पे मिले? वहाँ भी वहीं पे मिले थे. दूसरी बात अब यहाँ पे हमारी कॉलेज में देखो, इन्होंने तो हमें इनविटेशन दिया नहीं था तो हमें खुद को ही आना पड़ गया. अब कोई बात नहीं, वो तो चलता है. बट अब आ गए खुद चल के तो ये घुमा रहे हैं. और चलो घूमते हैं, चलिए अब दिखाते हैं इस कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर के बड़े बड़े कमरे. एंड बहुत आलीशान कमरे, बड़े बड़े लंबे. और इतने तो बच्चे ही नहीं होंगे जितने बच्चों की क्लास है, ये उसमें कहना चाहूँगा. बट यार द इंफ्रा इज बेटर, नीचे से ज़्यादा अच्छी बेंचेस दिख रही है मुझे यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी सी बेटर है. एंड या गूंज भी नहीं आवाज़ ही अच्छी बात कहना चाहूँगा मैं. देखो ये मैंने आपको नीचे से दिखाया था, ऊपर से ऐसा दिखता है. यहाँ पर द स्ट्रीट प्ले सोसाइटी आक्रोस उसकी प्रैक्टिस होती है. एंड गाइस जो मैं बता रहा था ना आपको, ये रहा केक करके सेलिब्रेशन यहाँ छोड़ दिया, यही होता है इस कॉलेज में. बाकी टीचर्स का रूम में अंदर से नहीं दिखाता, बट हाँ है बड़ा मस्त. भागा 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 चोर उठा के भागा. भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है. और यहाँ पर भारत के साथ आपको मिलेगा ये रहा वॉलीबॉल ग्राउंड है, नीचे जाके दिखा देंगे. और इस ग्राउंड में क्या क्या खेल सकते हैं अंकित भाई? वॉलीबॉल खेल सकते हैं, और अंदर वाले में उस अंदर वाले में क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी सब खेल सकते हैं. और बैडमिंटन का है? बैडमिंटन नहीं है. और ये इस कॉलेज का बेस्ट गेम है हॉकी. अच्छा, मतलब बहुत मेडल आते हैं इस कॉलेज में हॉकी के? हॉकी के बहुत बढ़िया प्लेयर हैं इस कॉलेज में. अच्छी बात है. और फुटबॉल के, कबड्डी के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं. और वॉलीबॉल नॉर्मल है, मतलब कल परसों ट्रॉफी जीत के लाए थे. अरे वाह, अच्छे प्लेयर्स हैं. ठीक है, वॉलीबॉल के कभी कभी चांसेस बन जाते हैं. बाकी कबड्डी और फुटबॉल और हॉकी, ये तीनों अच्छे खेलते हैं. बहुत अच्छे, वेरी नाइस. रावण मुंडे रावण मुंडे रावण मुंडे. भाई गाने सही चल रहे हैं, माहौल ओपी है, प्रोग्राम अंदर ओपी है, सब कुछ ओपी है. अभी हम खेल रहे हैं स्क्विड गेम. एंड मतलब बहुत सिंपल है, राउंड वन इज कि हमें हिलना नहीं है, गाना बजेगा. तो देखते हैं कितना गंदी तरह से हम इस राउंड को पार करते हैं. ठीक है, देखते हैं. सब होने वाला है यहाँ पर टग ऑफ वॉर. आई एम डेड श्योर एक ही सेकंड में सब गेम खत्म हो जाएगा.